आंध्र बेते एक ऐसे समाजशास्त्री है जो अभी जीवित है। एकेडमिकली बहुत एक्टिव नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। वो मेरे डायरेक्ट टीचर हैं और मैं कंटिन्यूअस उनका टच में हूँ, ये कहना जरूरी है। कंटिन्यूअस टच में होने का कारण एकेडमिक टच में है, एकेडमिक टच में, कि अभी भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डिक्शनरी ना देख के, गूगल ना देख के सीधा बेते सर को फोन कर देना। कुछ रीजन है ये, इसका इसका रीजन ये है कि जैसे पहले भी मैंने बोला, सोशियोलॉजी रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए जो चीजें हम बोले उसको किताब से पढ़े, लेकिन एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक 5 पॉइंट निकाले, 5 पॉइंट निकाल के उसको एक्सप्लेन करें, खुद को पहले कन्विंस करें, हाँ मैं आंध्रे पते जानता हूँ, तभी तो पढ़ा है। खुद ही कन्विंस नहीं, आंध्रे पते नहीं जानते तो क्यों पढ़ाए हम? ऐसा ऐसा गिरी हुई हरकतें समाजशास्त्र में हैं। एम साहब, प्रेसिडेंट इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, कब बोला था मालूम है? 1988 में बोला था, आज से 33 साल पहले, जब प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोला कि ये किताब, कहाँ गया किताब, ये जो किताब है ये है, देख रहे हो ना किताब, मैकाइवरण पेज, ना मैकाइवरण बिल्कुल पेज दिख रहा है ना, यस सर। मैकाइवरण पेज 1937 का किताब है। क्या 2037 हो गया? अरे लगभग हो गया, गो बाय द स्पिरिट। इसको पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर पेज, ये कैसे हो सकता है? और इन्होंने अभी नहीं, 1988 में बोला। अच्छा, तो बेते साहब ने क्या बोला? कि बेते साहब ने बोला, ज्यादातर लोग इंडिया में कहते हैं सोशियोलॉजी एक पॉपुलर सब्जेक्ट है, लोकप्रिय सब्जेक्ट है। लेकिन क्यों है लोकप्रिय सब्जेक्ट? क्योंकि लोग आईएएस पीसीएस देते हैं इसको लेके, और शादी करने का लायक में क्वालिफिकेशन वाली सब्जेक्ट है, ये बेते साहब लिखे हैं ये सब चीजें। और जो लोग कॉमन सेंस हैं, कॉमन सेंस समझ गए ना, सामान्य ज्ञान, उसी को उसमें डाल देते हैं। क्या है? अच्छा, एमए में वाइवा लेते हैं, कितना वाहियत सिस्टम है, एमए में वाइवा होना चाहिए? व्हाट नॉनसेंस! 30 साल हम इसको झेल रहे हैं, और ऐसे क्रिटिकल एग्जामिन भी कर रहे हैं, बहुत सीनियर अथॉरिटीज को गालियां भी दे चुके हैं, हम झेल भी चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शो में क्या होता है, और तुम क्या पढ़ के आई हो? अरे तुम वाइवा ले रहे हो, तुम एक एक्सपर्ट हो, तुम पूछोगे तुम क्या पढ़ के आई हो? व्हाट नॉनसेंस! सीधा पूछो ना, मार्क्स का हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म समझाओ। जो पूछने की जरूरत क्या है कि तुम क्या क्या पढ़ के आई हो? तो टीचर अगर ऐसे बेवकूफ होंगे, क्या बताऊं, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। कोई टीचर मेरा बात मान लीजिए, क्या पढ़ के आए हो, नहीं पूछना, बोलना बोलना है उनको, सीधा पूछो क्वेश्चन। अच्छा, उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ बताओ बेटा, ग्रामीण समाज में समस्याएं क्या है? बोलो बोलो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ खाई नहीं क्या? अरे बोलो सर, पानी बिजली सड़क, ये क्या बात है? ये इतना गंदा कर दो कि सोशियोलॉजी को चल पाएगा? कुछ है ही नहीं सोशियोलॉजी में, वैसे भी कुछ नहीं, पानी बिजली सड़क नहीं बोलती। अच्छा लड़की नहीं, यार लड़का बोलो, मेरा जरा लड़का लड़की, वो हिंदी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उड़ीसा से है ना, दिल्ली में पढ़ाई किए हैं, और यहाँ लखनऊ में पढ़ रहे नहीं पढ़ा रहे। पानी बिजली सड़क नहीं, इतना खाली चेंज कर देती कि लोगों का मनोवृत्ति, लोगों की सामाजिक संरचना, लोगों के रूढ़िवादिता, लोगों के माइंड सेट परिवर्तन ना होना, लोगों में पैट्रियार्की फैलना, लोगों में डाउरी कल्चर फैलना, इतना खाली बोल देती सब ठीक हो जाता। अच्छा, ये कौन सा रॉकेट साइंस है? या तो उसका टीचर ने समझाया नहीं, या दुखी किताब पढ़ रहे हैं, गुप्ता शर्मा अग्रवाल अंड संड, नहीं चल पाएगा ऐसे। लेकिन मैं ऐसे करता गया गया, अब मैं बंद कर दूंगा इसको आगे। अरे बाप रे, 1 मिनट, डॉगी को अंदर कराना पड़ेगा। एक सेकेंड, चुप रहो यार, इधर आगे तुमने बंद कर रखा है? गोपना नहीं बस। तो इस प्रकार हम लोगों को अभी क्या करना है कि आंध्रे बेते के, मतलब मेरा ये जो अभी 5 मिनट बोला, मेरा ये कहना है, आप लोग लिखिए मैं जो बता रहा हूँ। पहली बात, जिनको मने लिखिए, टीचरों को भी लिखना चाहिए सब, तो मैं उसे जूनियर ही, मैंने बात क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल लिखिए इसको।
नंबर टू, पहले मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूंगा, लिखते रहिए। मैं बोलूंगा हिंदी वाले हिंदी में लिखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर ना लिखे। जो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखते हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखने का मतलब खिचड़ी है, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश अलग, हिंदी अलग, आप शुरू हो जाए। क्या वो आंध्र व्यक्त करते हैं, ये वहां थे कलकत्ता में। अभी मैं जब बोलूंगा लिखना, तब लिखना लिया कर, अभी नहीं लिखो। ये जो कलकत्ता में स्टूडेंट शिफ्ट कर रहे थे, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी किए थे, ओके। फिर वहां से ये दिल्ली आ गए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आरए बन के 57 में। 59 में श्रीनिवास ने खोला डिपार्टमेंट, 1959, यानी कि 41 प्लस 21, 63 62 साल पहले। उसमें वो जाके ज्वाइन किए हैं आज लेक्चरर, तब तो लेक्चरर ही होते थे, आजकल जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं तब तो लेक्चरर होते थे। हम कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें इन्होंने, तब वो पीएचडी नहीं थे, खाली आ रहे थे, तब श्रीनिवास के अंडर पीएचडी ज्वाइन किए। और श्रीनिवास ने कहा अदर कल्चर में स्टडी करना चाहिए, अदर कल्चर माने अपने कल्चर में स्टडी नहीं करना चाहिए, अदर कल्चर में स्टडी करोगे तो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होगा, ठीक है। लिया का, अगर मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है, ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, गुड। तो अगर तुम अदर कल्चर में, दूसरे कल्चर में, जैसे कि आप अभी अपने टाउन में लखनऊ में, आप बड़े लखनऊ प्रेमी हैं, मान लीजिए होंगे ही लखनऊ प्रेमी, आप बड़े लखनऊ प्रेमी होंगे, आप लखनऊ में कोई अध्ययन करेंगे, ठीक है, और यहाँ से चले जाएंगे ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर है मेरा टाउन उड़ीसा में, ठीक है, वहां जाके उड़िया सीख के ब्रह्मपुर में अध्ययन करेंगे, कौन सा अध्ययन बेहतर होगा, लखनऊ वाला कि ब्रह्मपुर वाला? अनम्यूट करके बोलो कोई एक। ब्रह्मपुर वाला सर, ब्रह्मपुर वाला, ब्रह्मपुर वाला, वेरी गुड। चेंज हो रहे ना, जब हमें अपना नहीं करना है, जब हमें अपना दूसरे कल्चर को करना है, तो ऑब्वियसली एंड इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर फन टू स्टडी, मोर फन टू स्टडी, ग्रेट, मोर फन टू स्टडी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। यही कहा गया है, ये सबसे पहले कहा था लेवी स्ट्रॉस ने। लेवी स्ट्रॉस ने कहा अनकॉन्शियस मॉडल्स आर बेस्ट एंड साइड इफेक्ट। अनकॉन्शियस माने अचेतन प्रारूप, यानी कि जिस कल्चर को आप जानते नहीं हैं, उस कल्चर को आप आउटसाइडर होके इनसाइडर बनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि फील्ड वर्क के माध्यम से, हम लोग ज्यादातर सोशियोलॉजी में फील्ड वर्क नहीं करते हैं, हम लोग सर्वे करते हैं इन द फील्ड, समझ गए ना, क्षेत्र में जाके सर्वे करना। कहते हैं 3 4 6 महीने बिताते हैं, जाते हैं 3 दिन के लिए, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, बढ़िया काम करते हैं वैसे तो। उस प्रकार आप जैसे, और लियाकत जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पिताजी क्या कर रहे हैं? अरे बहुत उड़ रहे हैं, बहुत वंडरफुल। और वाइफ बच्चा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन लियाकत जी जो बढ़िया बढ़िया 10 बार बोले, इनके घर में जाके मैं 10 दिन रुक जाऊं तो पता चल जाए कितना बढ़िया कितना खराब, हाँ या ना, ऐसे करो। यस ये पॉइंट पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस पॉइंट ऑफ, यही चीजें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही सिखाया गया। अब मैं कोई बातें कहूँ, थोड़ा मेरा कोई बायस नहीं है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं वहीं से पढ़ा है, लेकिन यही सिखाया गया, बिना फील्ड वर्क का कोई काम नहीं हो सकता है। और श्रीनिवास ने शुरू किया सिखाना, सुनेंगे। मैंने भी जो पीएचडी किया, मैं तो 1 साल से ज्यादा किया फील्ड वर्क कंटिन्यूअसली। मैं एक बार था कंटिन्यूअसली 4 मंथ्स 3 डेज, यानी कि लगभग 123 दिन कंटिन्यूअसली फील्ड में था मैं, ये तो हो नहीं सकता। वो क्या कहते हैं मालूम है, श्रीनिवास ने बोला अगर तुम आ जाओगे वापस दिल्ली में, कहीं से दिखे 1 साल के अंदर दिल्ली में दिखे, या कहीं से पता चल गया कि तुम आंध्रे बैठते वहीं चाट खा रहे थे बंगाली बाजार में, आंध्रे बैठते बंगाली था ना, ए ये मैं जोड़ दिया, थोड़ा सा जोड़ दिया, मतलब बंगाली थे क्या है, बंगाली बाजार में अगर तुम चाट खा रहे दिख गया ना, उसी वक्त तुम्हें पीएचडी से हटवा दूंगा। और ये नो बोलने का कल्चर था,
तभी इतना गंदा सोशियोलॉजी नहीं था। हाँ चल जाता है, दे दो। मैं यहाँ जब ज्वाइन किया था 30 साल पहले, मैं और साहू जी दोनों ज्वाइन किए थे आसपास 10-15 दिन गैप में, तो शुरुआत में ही 2 महीने के अंदर बोला गया कॉपी चेक करो। अच्छा जो कॉपी चेक करो बोले उस वक्त, मेरे लिए तो 7वां अजूबा था क्या ना, 7th wonder। ओह माय गॉड, इतनी इतनी कॉपियां, 8,000 बी के स्टूडेंट बना करेगा क्या इसमें, नहीं नंबर देना मिले, नंबर कैसे देते हैं 50 में से, एक बंडल में 25 में से 23 को 2 नंबर दिया। तो बगल में एक टीचर थे, अभी रिसेंटली गुजर गए, हमारे सोशल डिपार्टमेंट में, नाम ले लें कोई बात नहीं, ऊपर होंगे, मुझे बहुत पसंद करते थे, मिराज अहमद। मिराज अहमद ने बोला, मिराज अहमद का सारा आर्टिकल मेरे पास है, ठीक है, आई एम इन टच विथ हिज फैमिली इंक्लूडिंग हिज डॉटर। मिराज अहमद बोले देखो चौधरी साहब ये नहीं चल पाएगा, 2 नंबर नहीं चल पाएगा। कुछ तो लिखा है, मैंने कहा लिखा ही नहीं है, फिल्म का कहानी भी नहीं लिखा है, अब क्या होगा। अरे कुछ लिखा है, दे दिया, कितना देते हैं 20 नंबर दीजिए। मैंने कहा यही यही का तरीका, आपका दिल्ली तरीका यहाँ नहीं चल पाएगा, आपको यहाँ अगर जीना है तो इसी तरीके से जीना होगा। आई हैव बीन टॉट लाइक दिस हियर टू डू इट, आई क्रिटिसाइज्ड हिम, बट लेटर ऑन एक बार साहू जी को 7-0 दिए थे, मैंने कोई 4-0 दिया था, लेकिन ये 7-0 दिए थे 25 में से, तो उनको बुलाया गया, एक्सप्लेनेशन मांगा गया, अखबार में निकाल दिया। बड़े लोग तो भरे होते हैं अखबार निकालने वाले, लियाकत टाइप, नहीं तो मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे तुम्हें नहीं कह रहा हूँ सॉरी, अखबारबाजी करते हैं, कैसे कैसे लोग है, रॉकेट साइंस बनवा दिया, गंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप 1 साल के अंदर नहीं दिखेंगे, ऐसे करके मुझे याद है कैसा, लोग जानते हैं श्रीनिवास ने इम्तियाज अहमद साहब का PhD नहीं कराया, इसलिए इम्तियाज अहमद अभी तक PhD नहीं, इम्तियाज अहमद का नाम जानते होंगे सब लोग, क्योंकि इम्तियाज अहमद IAS दे रहे थे, उनको पता चल गया इम्तियाज अहमद IAS दे रहे थे, श्रीनिवास के अंडर PhD रजिस्टर्ड थे, तो कुछ होगा मतलब जो भी है, ही कुड नॉट डू PhD। तो इस कहने का मतलब है, कोई मैंने नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी तो रियलिटी है, सोशियोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट रियलिटी, रियलिटी इज एक्सटीरियर टू द इंडिविजुअल, ये कुछ स्टेटमेंट हमेशा जीवन में जानना चाहिए, रियलिटी इज एक्सटीरियर टू द इंडिविजुअल, व्यक्ति से परे है रियलिटी, इसलिए कॉमन सेंसिकल नॉलेज से रियलिटी को नहीं जाना जा सकता है, रियलिटी को जानने के लिए कुछ सोशियोलॉजिकल टेक्निक मेथड को फॉलो करना होगा, और इन दैट सेंस आपको जाके फील्ड वर्क करना होगा, साल भर का PhD फील्ड वर्क करना होगा, और वहाँ का भाषा सीखना होगा, प्रिफरेबली दूसरा कल्चर में अध्ययन करना होगा, और जितने सोशियोलॉजिकल टेक्स्ट है उनको उस बीच में लाना होगा, लाके कोई थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव के माध्यम से उसी डेटा को इंटरप्रेट करना होगा। अगर थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव के माध्यम से उसी डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे तब वो सोशियोलॉजिकल होगा, नहीं तो पानी बिजली सड़क हो जाएगा। ठीक बोला लियाकत, अगर सोशियोलॉजिकल करना है तो पानी बिजली सड़क में सोशियोलॉजी नहीं हो पाएगा, सोशियोलॉजी तब हो पाएगा जब कोई एक थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन जाए, सोशियोलॉजिकल टेक्निक और मेथड का यूज करे, फील्ड वर्क जरूर करे या सर्वे वर्क करे इन द फील्ड, इसी टाइप का कुछ करने से होगा। ज्यादातर लोग करते होंगे, लेकिन हमें हमेशा 2 चीजों का ख्याल रखना है, क्रिटिकल असेसमेंट, आलोचनात्मक मूल्यांकन या विश्लेषण, नंबर 1, और नंबर 2 नो, सर कर दीजिए नो, सर ये यहां साइन कर दीजिए नो, नो बोलना सीखना होगा, बहुत ये हो गया, क्यों लेकर सही कह रहे हो ना, अब नो बोलना चलेगा। तो सर मेरा लड़की BA 3 में है, कॉपी चेक करेंगे तो 100 में से 200 नंबर दे दीजिए, नो समथिंग लाइक दिस, अरे 100 में से 200 नंबर कैसे दे दें। हो गया था, और 2 साल है, निकलो यहां से। 2.5 साल है। अच्छा अब फिर ये गए आ गया मैं ओल्ड में, फिर श्रीनिवास साहब ने इनको मोटिवेट किया, ये चले गए तमिलनाडु, तमिल सीखे, इन्होंने तमिल सीखी, और श्रीपुरम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, तांजोर गांव सब जानते होंगे, तांजोर गांव में किए, तांजोर गांव में जब किए होंगे, एक बैकग्राउंड देखिए, इतना आप लोगों को आइडिया होगा, ये जो लैंडलॉर्ड मूवमेंट, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है, लैंडलॉर्ड के खिलाफ आंदोलन, एंटी ब्राह्मण आंदोलन,
ब्राह्मण विरोधी आंदोलन और अपसर्ज ऑफ दलित एंड ओबीसी क्लासेस, ये सबसे पहले तमिलनाडु में हुआ, सबको आइडिया है, इतना पढ़ाई में होगा आप लोगों ने, तमिलनाडु में खूब हुआ है। 1937 में डीएमके पार्टी हुआ था, इन्होंने वो ये जो किताब है ना सबके पास, कास्ट क्लास एंड पावर, ठीक है, इस किताब में सब लिखा है इन्होंने। तो द्राविड़ मुनेत्र कझागम डीएमके पार्टी 1937 में जब हुआ था, उसमें ये जितने लोअर कास्ट यानी कि दलित और ओबीसी, ये सब इकट्ठा होके ब्राह्मणों के घरों को जला दिया था, ब्राह्मण सुप्रीमासी खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो एक शुरुआत था। तो उस शुरुआत में अगर ऐसा होगा तो सदियों से चले आ रहा है जो स्ट्रक्चर, थोड़ा तो बदलाव होगा ना, सदियों से जो स्ट्रक्चर चला आ रहा था उसमें बदलाव होगा डेफिनेटली, इसी के बारे में लिखा है और कुछ नहीं, कास्ट क्लास एंड पावर। तो उसमें क्या पॉइंट है कि कास्ट कैसे क्लास हो रहा है, ठीक है, और पावर इक्वेशन कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, पावर इक्वेशन चेंज क्यों नहीं होगा, जब जब ऑल दिस पीपल, जितने लोअर कास्ट, निम्न जातियां, ओबीसी जातियां, दलित जातियां, अगर वो अपसर्ज हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपसर्ज अगर हुआ है दलित जातियां ओबीसी जातियों का, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा समाज एक महा असमानता का समाज, महा मतलब आई मीन इट, बहुत ही महा असमानता का समाज है, जिसको बदलने के लिए समाजशास्त्री सामने आना चाहिए, बिल्कुल सामने आना चाहिए। आप अपना बेनिफिट चुपके से ले लीजिए रिजर्वेशन का, लेकिन बाहर बोलिए हम कोई जातिवाद नहीं करते, जातिवाद करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो जनरल एटमोस्फियर है, इसमें रिजर्वेशन इतना घिनौना हरकत किया ये दलित और जनजातियों के लिए, लगभग 2950 साल इनको परेशान किया। 2950 साल कैसे मालूम है ना, ये मैंने किसी किताब में लिखा है, काफी चर्चा इसके ऊपर हुआ है, आप लोग तो चर्चा ना पहुंचा हो, कुछ टीचरों के पास पहुंचा हो। चर्चा ये है, 1520 में आर्यन समाज शुरू हुआ, एक वैदिक काल को कहते हैं 1520 से 1000 BC, 500 साल चला वैदिक काल, इसमें कोई अस्पृश्यता नहीं था, ओके, लेकिन 1000 BC से अस्पृश्यता शुरू हो, तो 1000 BC में अस्पृश्यता शुरू होके 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसमें लिखा गया अस्पृश्यता निवारण, आर्टिकल 17, है ना। तो कितना साल हुआ, इधर 1950 साल, उधर 1000 साल, 1950 साल उनको हरकत की, क्या हरकत की, बहुत परेशान किया, टांगे तोड़ दिया, खून कर दिया, स्कूल में दाखिला नहीं दिया, आम कुआं से पानी नहीं ले सकता, आम जल स्रोत से पानी नहीं ले सकता, और मंदिर में नहीं जा सकता, उच्च जातियों का, देवी देवताओं का पूजन नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कूड़ा उठा सकता है, फीकल मटेरियल उठा सकता है, उठाएगा, चमड़ा के साथ काम करेगा, और झूठन खाना दे दो। 1950 साल अगर इतना कांड कर दिया, तब 1950 साल रिजर्वेशन दो, लॉजिकल बातें बोली, 1950 साल परेशान किया, अब 1950 साल रिजर्वेशन दो उनको जी। तो ये पॉइंट है कि ये चीजों को इन्होंने जाके देखा कि वहां जाति की संरचना क्या था, वर्ग संरचना क्या है, और पावर स्ट्रक्चर क्या है। पावर स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूस शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट कैसे हुआ है, पहले हाई कास्ट पावर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, डोमिनेंस, हाई कास्ट माने कौन, रिचुअली हाई कास्ट, रिचुअल हाई कास्ट कौन, ब्राह्मण, रिचुअल हाई कास्ट। फिर उसके बाद ये जो अपसर्ज हुआ, ये जो व्हाट इज दिस थिंग, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, उसमें लोअर कास्ट उत्पन्न हुए, तो पावर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद स्वतंत्र के बाद क्या हुआ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज आया, वोट देने का कैपेसिटी मिला, इन सब के वजह से क्या हुआ होगा, फिर पावर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, इन्हीं चीजों को उन्होंने लिखवाया।
ओके तो ये ब्रीफली हम डील करेंगे, देखते हैं आज कहां तक होता है। स्टार्ट राइटिंग अंद्रे बेते 30 सितंबर 1934, स्टार्ट राइटिंग। ये इंग्लिश हिंदी दोनों लिखिए, जब मैं हिंदी बोलूंगा तो हिंदी वाले लिखिए। 30 सितंबर 1934, ही इज 86 years old, 86 साल उम्र के हैं। माता बंगाली और पिता फ्रेंच थे, माता बंगाली पिता फ्रेंच, मदर वाज बंगाली एंड फादर वाज ए फ्रेंच इंडिविजुअल। ओके ही डिड एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र कलकत्ता विश्वविद्यालय से किए, कोलकाता नहीं लिखना, तब कलकत्ता ही होता था मेरे ख्याल से, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता अभी भी, कोलकाता नहीं हुआ। ठीक है, 1957 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, 1957 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स विभाग में आरए नियुक्त हुए, रिसर्च असिस्टेंट आरए नियुक्त हुए। 1959 में वहां पर समाजशास्त्र विभाग श्रीनिवास ने शुरू की, श्रीनिवास पहला प्रोफेसर एवं हेड रहे, और बेटे को वो प्रवक्ता नियुक्त किए, बेटे वाज अपॉइंटेड एज ए लेक्चरर इन 1959। सब्सिक्वेंटली ही रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी अंडर श्रीनिवास, उसके बाद वो श्रीनिवास के पर्यवेक्षण में पीएचडी शुरू की, तमिलनाडु के तंजौर जिले में श्रीपुरम गांव में अध्ययन किए, तमिल सीखे, एक साल से अधिक समय तक क्षेत्रीय कार्य किए वहीं गांव में रहकर, क्या किए, क्षेत्रीय कार्य की। फिर 1964 में पीएचडी जमा किए, और 1965 में कास्ट क्लास एंड स्ट्रक्चर पुस्तक
प्रकाशित हुआ, द बुक कास्ट क्लास एंड बुक कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास एंड पावर लिखा ना, कास्ट क्लास एंड पावर वॉज पब्लिश इन 1965। हो गया। अब आइए हम पूछ रहे हैं कि कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के हैं इसमें, अरे कोई हाथ दिखाओ, ऐसे ऐसे करो, है क्या? नहीं, यस, ओके ओके ओके, लिखो फिर लिखो। अब ही ब्रॉडली, मतलब ये हो गया उनका, इतने इंट्रोडक्शन काफी है, एक दो और लिख दो इंट्रोडक्शन। उनको उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से नवाजा 2005 में। नवाजा और ICSSR का तीन साल के लिए अध्यक्ष रहे। नेहू, NEHU, नेहू जानते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग का, एवं अशोका यूनिवर्सिटी, दिल्ली का चांसलर रहे, कुलाधिपति रहे। अशोका यूनिवर्सिटी अभी जरा इनफेमस हो गया, दो लोगों ने रिजाइन कर दिया, मालूम होगा, प्रताप भानु मेहता और समान हिल्स। ओके, अब आइए श्रीपुरम विलेज, श्रीपुरम गांव। श्रीपुरम गांव में, इन श्रीपुरम विलेज, द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कास्ट क्लास एंड पावर। अभी मैं इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखा रहा हूं, फिर इसको हिंदी करता हूं। जो मैंने बोला था उन्हीं को खाली डिटेल्स में लिखा रहा हूँ, ठीक, कोई बड़ा इशू नहीं है। तीन तीन चार चार पेज हो जाएगा तो सब उसी को पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। कास्ट क्लास एंड पावर, ओके। चेंज इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। चेंज इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर The pace of change will vary. PACE, pace of change will vary because of various processes of change. Okay. पहला, क्लास स्ट्रक्चर। आप इतनी पाबंदी लगाए फिर भी वो खाना बंद नहीं किया। क्लास स्ट्रक्चर, it is hierarchically arranged through agrarian social structure. So
class structure is hierarchically arranged through agrarian class structure. It is based on ownership and non-ownership of means of production. Ownership and non-ownership of means of production. Okay. It is again subdivided in terms of the types of ownership and control over land. The type of ownership and control over land. अभी इसको हिंदी में जब पढ़ेंगे बाकी लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि कुछ इंग्लिश वाले हैं इसलिए इंग्लिश में कर रहे हैं. नंबर टू, द टाइप्स ऑफ सर्विसेस कंट्रीब्यूटेड the types of services contributed to the process of production. The process of production. Okay. Further, those who are paying rents, farmers, cultivators, sharecroppers, agricultural laborers constitute distinct categories only at the conceptual level. Here he agreed to the ideas of Thorner. Thorner, yaad hai? Daniel Thorner. Of three broad classes. Malik, Kisan, Mazdoor. Malik, Kisan, Mazdoor. Hindi mein likhiye. हिंदी में लिख रहे हैं. ओके ओके. श्रीपुरम में जाति वर्ग और शक्ति संरचना जाति वर्ग और शक्ति संरचना में बदलाव होता रहा है. किसी भी तत्व का रूपांतरण होना या बदलाव लाना, बदलाव होना या परिवर्तन होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. ये कभी कभी स्लो हो सकता है तो कभी फास्ट हो सकता है. ये कभी स्लो हो सकता है तो कभी फास्ट हो सकता है. पहले श्रीपुरम में ये स्लो होता था. लेकिन समय अनुसार 20वीं शताब्दी में ये
फास्ट होने लगा। श्रीपुरम में ये परिवर्तन मुख्य रूप से कृषक वर्ग संरचना, कृषक वर्ग संरचना के माध्यम से ही उत्पन्न हुआ है। पहला वर्ग संरचना, पहला लिखिए वर्ग संरचना। ये संस्तरणात्मक रूप से पाया गया है, संस्तरणात्मक रूप से पाया गया है और भू स्वामित्व और गैर भू स्वामित्व के आधार पर पाया गया है। इसमें और विभाजन हुआ है जिसका आधार अलग अलग प्रकार के भू स्वामित्व और भूमि नियंत्रण के ऊपर मिला है। इसके अलावा उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न सेवाओं के माध्यम से भी मिला है। वैसे वैचारिकी रूप से कई श्रेणियां मिलते हैं, जैसे कि जमीन किराए पे लेने वाले, किसान, जोतने वाले किसान, बटाईदार, जोतने वाले किसान, बटाईदार, कृषि मजदूर आदि। फिर आइए जाति संरचना। यहां पर मुख्य रूप से तीन श्रेणी की जातियां हैं। ये तो सब लोग जानते ही होंगे, पढ़ाते होंगे। ब्राह्मण जातियां ब्रैकेट में पुरोहित जाति, जिनके पास भूमि होती है यानी भूस्वामी होती है, वो भूस्वामी होते हैं, ब्राह्मण जाति। दूसरा गैर ब्राह्मण जाति जो ओबीसी, जो ज्यादातर ओबीसी जातियां हैं, जो ज्यादातर ओबीसी जातियां हैं। इनमें किरायेदार भी है,
जो अन्य जातियों के हैं। तीसरा है आदि द्राविड़, आदि द्राविड़ ये अस्पृश्य जातियां थे, आदि द्राविड़ ये अस्पृश्य जातियां थे और जो कि भूमिहीन मजदूर थे, और जो कि भूमिहीन मजदूर थे। इन तीनों जातियों जातियों के श्रेणियों के बीच में, जातियों के समूह के बीच में, इन तीनों जातियों के समूह के बीच में प्राचीन मूल्यों का प्रभाव रहा है। प्राचीन मूल्यों का प्रभाव रहा है इसका अर्थ है कि निम्न जातियां उच्च जातियों को खासकर ब्राह्मण जातियों को सम्मान देना देवता के तरह पूजा करना आदि। लेकिन लेकिन इन सारे मूल्यों में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उनमें कुछ आधुनिकीकरण का प्रभाव भी पड़ा है, रोहित प्रताप जी म्यूट करिए, अनम्यूट हो गया। हो गया, और रूढ़िवादी मूल्यों में भी परिवर्तन आए हैं। वैसे बेते जब क्षेत्रीय कार्य कर रहे थे बेते जब क्षेत्रीय कार्य कर रहे थे तब वो स्वतंत्रता के दूसरा दशक ही था। लेकिन वहां पर 1930 के दशक के निम्न जातियों का आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। डीएमके पार्टी का गठन हुआ था, दलित एवं ओबीसी जातियों का अस्मिता में विकास हो रहा था। इसलिए जाति संरचना का रूपांतरण का पूरा आधार सिर्फ स्वतंत्रता नहीं हो सकता है, पूरा आधार सिर्फ स्वतंत्रता नहीं हो सकता है, ना ही
ना ही क्या हो सकता है, ना ही आधुनिकरण का प्रभाव हो सकता है। इसका ये अर्थ भी नहीं है, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि संपूर्ण परिवर्तन हो गया, इसका ये अर्थ भी नहीं है। अब सुना राय नहीं, लिखो तो। इसका ये अर्थ भी नहीं है कि संपूर्ण परिवर्तन हो गया, ये सिर्फ निरंतरता और परिवर्तन का एक मिसाल है, ये सिर्फ निरंतरता और परिवर्तन का एक मिसाल है। वैसे तो तंजौर क्षेत्र में, वैसे तो तंजौर क्षेत्र में ब्राह्मणों का दबदबा रहा, लेकिन धीरे धीरे ये डोमिनेंस में कमी आई। धीरे धीरे इनकी डोमिनेंस प्रभुत्वता में कमी आई। ओके, गांव के लोग पढ़ लिख कर, गांव के लोग पढ़ लिख कर शहर के ओर प्रवचन किए, विभिन्न संस्थानों में, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरियां करने लगे, पहले सिर्फ ब्राह्मण ही शिक्षित होते थे, पहले सिर्फ ब्राह्मण ही शिक्षित होते थे, लेकिन बाद में अन्य जातियां भी शिक्षित होने लगे, अन्य जातियां भी शिक्षित होने लगे और शहर में नौकरी करने लगे। इंग्लिश लिखोगे, लिखो। ये पहले तो क्लास लिखा था ना इंग्लिश में, क्लास के बाद लिखो इंग्लिश में, कोई लिख रहा है ना, हाँ जी कोई बोलो, लिखो उसमें मैसेज लिखो, इंग्लिश कोई लिख रहा है, बोलूं कि नहीं, यस लिखा, ठीक ठीक हो गया, लिखो लिखो इंग्लिश लिखो, लिखिए प्लीज लिखिए, हाँ हो गया हो गया, थैंक यू। देन वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द क्लास स्ट्रक्चर एंड हाउ द क्लास स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन एग्रीगेंस सोशल स्ट्रक्चर, based on ownership and non-ownership of land, then other factors. Now you'll be writing on caste. There are three groups of castes. There are three groups of castes. Brahmins, consisting of the priestly caste, and are the landowners. And are the landowners. The non-Brahmins, who are mainly the OBCs,
as well as some other castes, as well as some other castes. Who used to take land on rent? Who used to take land on rent? Number three, the Adi Dravidas. The Adi Dravidas, who were mainly landless laborers. Okay, the relationship between these three groups, no doubt have been influenced through, ancient traditional values. India being a country of strong traditions, Sripuram is no different, no exception. However, I mean, the meaning is that lower caste would pay huge respect to the higher caste. Lower caste would pay huge respect to the higher caste. Just following the convention. And without any reasoning. Okay. However, after independence, things changed a little bit. Such a traditional nature of relationship was not found. The process of modernization affected broad changes. Adult franchise broad changes. Conservative values gradually got transformed. But there was no radical change. This can be at best maybe called continuity and change.
earlier the Brahmins were very dominant in Tanjore area, Tanjore, in Tanjore area. Most of them were educated. Most of them were educated. In fact, the only educated people from Sripuram were Brahmins. In fact, the only educated people from Sripuram were Brahmins. So most of them migrated to towns for doing jobs in migrated to towns for doing jobs in government and non-government institutions. Government and non-government institutions. Okay. However, later on, non-Brahmins also got educated and got into jobs. Okay, now coming to power structure. Power structure. There has been a shift in power structure. अभी पहले इंग्लिश में power structure करते हैं, फिर हिंदी में करेंगे. There has been a shift in power structure. Again, this was dependent on the caste structure. Caste structure. This is very clear because earlier Brahmins were dominant, so obviously the power structure was bestowed upon them. But later on, when others got into the system, so it was. Distributed, if not equally distributed, but distribution was there. Okay. Again, it was related to the caste structure. For example, earlier Brahmins were dominant. So they were important in the power structure. But later on things changed and other castes got some share in the power structure. Power shifted from the traditional elite of the village into the hands of
the new popular leaders. The powerful families in the past were the big landowning families. But these days, the new power structure which has emerged, earlier the power structure was dependent on the powerful families. But these days, things have changed. The newly emerging power structure is less dependent on class and caste. Okay, the newly emerging power structure is less dependent on caste and class. It is more dependent on the strength of numerical support. The traditional power structure, was dependent on one or two castes. But today, no single caste is important. No single caste has the monopoly in the village. Today, the most important aspect of power structure is political power. Political power through democratic setup. Panchayat Raj, party politics. The popular leaders are not big landowners. But are the elected ones. हिंदी में लिखो शक्ति संरचना. हिंदी में लिख रहे हो? शक्ति संरचना कौन है? कोई दिख ही नहीं रहा है. यस सर, लिख रहे हैं सर.
ओके शक्ति संरचना करो यस सर यस सर हो गया हो गया हो गया शक्ति संरचना लिखो सिरपुरम में शक्ति संरचना में परिवर्तन आए हैं पहले शक्ति संरचना जाति के ऊपर आधारित था लेकिन बाद में ये अन्य तथ्यों के ऊपर आधारित रहा अन्य तथ्यों के ऊपर आधारित रहा ये पारंपरिक अभिजन से ये पारंपरिक अभिजनों से एक नए प्रकार के लोकप्रिय नेताओं के पास शिफ्ट हुआ स्थानांतरित हुआ पहले वो सिर्फ बड़े भूस्वामियों के पास था लेकिन बाद में ये हर जाति के पास स्थानांतरित हुआ पहले ये सिर्फ एक जाति के पास था वो है ब्राह्मण जाति शक्ति संरचना की बात हो रही है लेकिन बाद में ये किसी एक जाति का एकाधिकार नहीं रहा ये किसी एक जाति का एकाधिकार नहीं रहा बल्कि हर जाति के पास कुछ ना कुछ शक्ति संरचना हर जाति शक्ति संरचना का हिस्सा बना आज का शक्ति संरचना राजनीति के ऊपर निर्भरशील रहा जैसे कि पंचायत राज व्यवस्था राजनीतिक दल राजनीतिक गठबंधन और ये सब भारत में भारतीय राजनीति का आधुनिकीकरण के वजह से हुआ है आज गांव के लोकप्रिय नेता भूस्वामी नहीं है बल्कि चुने गए नेता है या पार्टी के कार्यकर्ता है आज मुख्य रूप से
दो कारणों की वजह से शक्ति संरचना महत्वपूर्ण हुआ। नंबर वन, राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीतिक तंत्र का विस्तार, यहां पर एमएलए को गांव के नेताओं के साथ जोड़ दिया गया। और चुनाव में सहभागिता एक शक्तिशाली प्रक्रिया रहा। बस हो गया इतना, जाति फाति हो गया। अब एक कंक्लूजन लिखिए। इस प्रकार व्यक्ति के अनुसार गांव में बड़े सटीक तरीके से या स्पष्ट तरीके से कास्ट, क्लास और पावर का, यानी कि जाति, वर्ग और शक्ति का अस्तित्व नहीं मिल सकता है। ये क्लियरली कह दिया जाए, भाई ये कास्ट है, ये क्लास है और ये शक्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति के अनुसार, क्योंकि ये तीनों ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का हिंदी आप खुद करिए, ये तीनों ओवरलैपिंग है और तीनों कंप्लीमेंटरी टू इच अदर है। कंप्लीमेंटरी शायद वो है, कॉम्प्लीमेंटरी पूरक, हाँ संपूरक है, सप्लीमेंटरी तो नहीं है, चलो कॉम्प्लीमेंटरी है। पारंपरिक संस्करण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले जैसे एक स्थिर स्थायी और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था होता था, अब वो एक गतिशील व्यवस्था बन गया है। वो पहले जैसे आर्थिक और राजनीतिक संबंध जाति से जुड़ा रहता था, वो अब बदलकर एक स्वतंत्र इकाई का महत्व हासिल किया इस प्रकार श्रीपुरम गांव एक छोटा सा सैंपल है, लेकिन वो जाति, वर्ग और शक्ति संरचना का, गतिशीलता का, जाति वर्ग और शक्ति संरचना का गतिशीलता का एक प्रतीक है। इंग्लिश में लिखो लास्ट कंक्लूजन। इन दिस मैनर द ग्रोथ ऑफ इलैबोरेट पॉलिटिकल मशीनरी
the growth of elaborate political machinery has changed the power structure, For example, MLAs have been linked with local leaders of the villages. The villagers are able to acquire power. Through their linkages. Adult franchise and democratic decentralization process of Panchayati Raj. Have been very successful in this shift. In power structure. Therefore, it can be said that there cannot be a distinct today. Division between caste, class and power today. They are overlapping. The static traditional social order is changing into a dynamic one. Hierarchy is progressively being reduced. In this manner, caste, class, and power structure of Sripuram village is a mini sample of how India is gradually, getting transformed. Namaste.